अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम, NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। 60 करोड़ की नकली किताबों का प्रकाशन, हुक्का बार व शराब के ठेकों को खुला संरक्षण देना आदि आरोपों से दो चार हो रही भाजपा के एक और नेता जांच के दायरे में आ गए हैं। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनीष शारदा पर आरोप लगा है कि उन्होंने व उनके भाई ने रिठानी स्थित एक फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है और पिछले एक साल से उसका निर्धारित किराया भी नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दबाव डालने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी मनीष शारदा व उनके भाई पर लगाया गया है। इस आशय की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए DM मेरठ को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के समक्ष शिकायतकर्ता प्रदीप सिंघल ने इस बाबत अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। एक सांस में नमो नमो बोलकर चर्चा में आए विनीत शारदा के खिलाफ शास्त्री नगर निवासी प्रदीप सिंघल ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा है। नरेंद्र का मतलब न, मोदी का मतलब मो, तो नमो 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 नमो। पत्र में कहा गया है कि विनीत और उसके भाई उमेश अग्रवाल ने उनकी फैक्ट्री 1998 में किराए पर ली थी। 2006 में फैक्ट्री खाली कराने के लिए कहा गया तो विनीत ने इनकार कर दिया। 2009 में संघ के आनंद प्रकाश अग्रवाल की मध्यस्थता में फैक्ट्री की आधी जमीन खाली करने व 2013 तक सारी फैक्ट्री खाली करने व आधी जमीन का 20,000 रुपये प्रति माह देने का समझौता इन लोगों के बीच हुआ था। आधी जगह पर कब्जा मिल गया लेकिन बाकी पर आज तक विनीत शारदा ने कब्जा नहीं दिया और किराए का भुगतान भी एक साल से नहीं किया है। आरोप है कि 15 जुलाई को जब वह किराए व फैक्ट्री खाली कराने के लिए कहने के लिए गए तो विनीत शारदा ने सत्ताधारी पार्टी का पदाधिकारी होने का हवाला देते हुए किराए का भुगतान करने से इनकार कर दिया, साथ ही फैक्ट्री खाली करने से भी साफ साफ मना कर दिया, साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। प्रदीप सिंघल का कहना है कि इससे उन्हें जान माल का खतरा महसूस हो रहा है। इस पत्र को मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी NKS चौहान ने DM मेरठ को इस बाबत जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पर आज पुलिस क्षेत्राधिकारी के समक्ष प्रदीप सिंघल ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। अपने बयान में प्रदीप सिंघल ने विनीत शारदा व उनके भाई पर वे सभी आरोप दोहराए हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में लगाए हैं। यह मामला मीडिया में आने के बाद सोशल मीडिया पर हिंदू हृदय सम्राट अपने नाम से पहले लिखने वाले विनीत शारदा के भाई उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य उमेश अग्रवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर खूब बयानबाजी चलने लगी है। जय श्री राम का नारा देते हुए मुस्लिमों के खिलाफ खूब बयानबाजी करने वाले विनीत शारदा के भाई उमेश व उनके बेटे का वह फोटो भी खूब वायरल किया जा रहा है जिसमें वे अजमेर शरीफ दरगाह में सिर पर टोपी लगाए नजर आ रहे हैं। इस बारे में आज विनीत शारदा ने मीडिया से यह बात की। हमारे पास किराए पे जगह है, वो किराए पे जगह होने के बाद लॉकडाउन में किराए के बावजूद भी हमने किराया बैंक में जमा किया। अगला आदमी झूठा आरोप लगाए और मुख्यमंत्री जी को झूठा पोर्टल पर किराया मिलने के बाद पोर्टल पर शिकायत करें, तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का काम फैक्ट्री के मालिक प्रदीप सिंघल ने किया। और किराएदारी तो टाटा बिरला अंबानी भी किराए पर लेते हैं, पर तो कोई किराए पर जगह नहीं लेगा ना किराए पर चलाएगा। मैंने उनको कानून का जवाब कानून से दिया है, नोटिस का जवाब नोटिस से दिया, और जिस तरीके से उन्होंने झूठा पोर्टल पर दिया उसकी जांच प्रशासन कर रहा है, उनको मैंने अपना बयान दर्ज कर दिया। और मेरा साफ कहना है कि वो 3 दिन देने इसका जवाब दें, नहीं तो मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा कि मेरी राजनीतिक व्यक्ति, मेरी छवि, 27 साल की मेरी राजनीति की, मेरी 27 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, मेरा राजनीतिक जीवन है, मेरे कपड़ों पर आज तक कोई दाग धब्बा नहीं है,
मैं व्यापार से राजनीति करने वाला व्यक्ति राजनीति से व्यापार नहीं करता, मुझे किसी की जगह का कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, मतलब नहीं। किराए पर जगह, किराया उनको प्रतिमा जा रहा है, किराए में कहीं किसी प्रकार की वो नहीं है, और पर मेरे मान सम्मान स्वाभिमान को जो ठेस पहुँचाई है उसकी वो माफ़ी मांगे, और नहीं माफ़ी मांगते हैं तो फिर कानून का जवाब कानून से दिया जाए। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट ऑन टीवी। नमस्कार।